बच्चों, आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपने कविता पढ़ी ली होगी। नहीं पढ़ी है तो मेरी वीडियो आपको इस कविता की भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे? इसका उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त का मतलब है फ्री, मतलब आज़ादी से। इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी निमोरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आकाश में उड़ना, तारों को छूना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग कर मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। अब प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं। पक्षियों को पालना अनुचित कार्य है क्योंकि इससे उनकी आज़ादी समाप्त होती है। उनके पास पंख हैं, वे आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे प्रकृति की छांव में खुलकर रहना चाहते हैं, ना कि हमारे बंद पिंजरों में। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह वे भी स्वच्छंदता पसंद करते हैं, क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से आज़ादी का जीवन श्रेष्ठ है। अगर आप क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे